आज की हम लोग वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टैपेट एडजस्टमेंट का। टैपेट कैसे एडजस्ट की जाए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक टैपेट एडजस्ट करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से आप बाकी के भी सारे टैपेट एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ मेथड बता दूंगा कि कैसे एडजस्ट करना है, किस तरीके से पूरा एडजस्ट होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग बाकी अपने व्हीकल में अपने जो जिसका भी आप टैपेट मिलाना चाहते हैं सेम ऐसे ही मिला सकते हैं बाकी के भी सारे टैपेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका टैपेट कवर खोलना है। ये जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये है टैपेट कवर। तो ये जो इंजन दिख रहा है अभी आपको, इस इंजन में टैपेट कवर में 8 वोल्ट हैं। तो पहले मैं ये 8 वोल्ट खोलूँगा। ये 8 वोल्ट खोलने के बाद फिर आगे देखेंगे। हम अगर टैपेट की बात करें तो इसमें क्या रहता है, एक इनलेट वाल्व रहता है और एक एग्जॉस्ट वाल्व रहता है। तो इनलेट और एग्जॉस्ट का दोनों का अलग अलग वैल्यू रहती है, अलग अलग टैपेट मिलाना पड़ता है। इनलेट वाल्व का अलग रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व का अलग रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंजन के ऊपर कि आपका इंजन किसने मैन्युफैक्चर किया है, उसके अकॉर्डिंग इनलेट की वैल्यू अलग रहेगी और एग्जॉस्ट की वैल्यू जो होगी वो अलग रहेगी। इसको जो हम मिलाएंगे वो मिलाएंगे अपना फिलर गेज से। तो आप लोगों को टैपेट मिलाने के लिए मेन क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, आपको चाहिए एक फिलर गेज और एक आपको चाहिए टी हैंडल विद सॉकेट। सॉकेट नहीं हो तो आपको स्पिनर चाहिए जिससे आप उसका टैपेट कवर खोल पाएँ। देन आपको चाहिए स्क्रू ड्राइवर ताकि टैपेट को लूज और टाइट किया जा सके। आपको चाहिए एक स्पिनर, जब आप लूज और टाइट कर दें जैसा टैपेट को मिला दें, टैपेट को मिलाने के बाद आप क्या करें कि उसको लॉक कर पाएँ, तो उसके लिए आपको चाहिए एक रिंग स्पिनर या जिसे आप चाबी कहते हैं ताकि आप लोग उसको टाइट कर पाएँ। टैपेट कवर खुलने के बाद अभी यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा एक इनलेट वाल्व है और एक एग्जॉस्ट वाल्व है। हर एक सिलेंडर के ऊपर इसमें 2 वाल्व दिए गए हैं, इसमें एक है इनलेट और एक है एग्जॉस्ट। तो इनलेट और एग्जॉस्ट की पहचान क्या करेंगे आप लोग, उसमें ये भी देख सकते हैं कि उस पर लिखा होता है आई और ई बना होगा। आई मतलब हुआ इनलेट, ई मतलब हुआ एग्जॉस्ट। और इसको अगर आप बोलें तो ठंडा और गर्म भी कह सकते हैं। आई मतलब है ठंडा और ई मतलब एग्जॉस्ट जो है वो गर्म वाला वाल्व है। तो इस तरह से आप लोग इसकी पहचान कर लेंगे कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है, या कौन सा इनलेट है कौन सा एग्जॉस्ट है। तो जब आपने एक बार पहचान कर ली कि कौन सा इनलेट है और कौन सा एग्जॉस्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है, टैपेट मिलाना है। अब टैपेट किसका मिलाएं और कहाँ से एडजस्ट करें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें मिलाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि जितने सिलेंडर का आपका इंजन है वो आप काउंट कर लेंगे। मान लीजिए 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है या 3 सिलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग काउंट करने के बाद फिर टैपेट मिलाना चालू करेंगे। अच्छा, टैपेट मिलाने के लिए आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग फायरिंग ऑर्डर। तो करेक्ट फायरिंग ऑर्डर में अगर आप टैपेट मिलाएंगे तो वो टैपेट सही मिलेगा। अगर आप कोई भी अंदाजे से या कुछ भी टैपेट कैसे भी मिला देंगे तो फिर वो टैपेट सही नहीं मिलेगा। आप टैपेट तो मिला देंगे बट जो गाड़ी का माइलेज है KMPL उस पर इफेक्ट आएगा और टैपेट कवर से आवाज़ आएगी। ये कुछ इशू आपको कंटिन्यू फेस करने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, आपने सबसे पहले क्या किया कि गिन लिया कितने सिलेंडर का इंजन है, जैसे ये 6 सिलेंडर का इंजन है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसा फायरिंग ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। मान लीजिए पहले फायरिंग ऑर्डर में सबसे पहले एक आता है तो अपन क्या करेंगे, एक नंबर के टैपेट को मिलाएंगे। ठीक है, तो एक नंबर के टैपेट में इनलेट और एग्जॉस्ट की तरफ अपन चलेंगे। तो उसकी सबसे पहले उसकी पुश रॉड देखेंगे या उसके रॉकर आर्म देखेंगे या जिसको आप चिड़िया बोलते हैं वो देखेंगे। तो पुश रॉड उसकी एक नंबर की दोनों ढीली होनी चाहिए। ये सबसे पहले आपको इंश्योर करना है जो एक नंबर वाला टैपेट है उसकी दोनों की दोनों पुश रॉड एकदम लूज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लूज होंगी तभी आप उसका ही टैपेट मिला सकते हैं। अदरवाइज अगर जो लूज नहीं है उसका अगर आप टैपेट मिलाएंगे तो टैपेट सही नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ दिखाया गया है कि हाथ से पकड़ के आप उसको घुमा करके रॉकर आर्म को चिड़िया को आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं वो लूज होगी। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन टैपेट मिलाना। ओके, तो टैपेट मिलाने के लिए हम अपन क्या करें कि सबसे पहले इसको लूज कर लेंगे ताकि हम लोग टैपेट के आराम से डाल सकें। जैसे यहाँ पे दिख दिया गया है, पहले अपन इसका लॉक तोड़ेंगे, मतलब जो नट है उसको लूज करेंगे, क्योंकि इस पर टॉर्क लगा होगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो पहले उसको लूज करेंगे। देन क्या करेंगे, अपन इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, जो इसका बोल्ट है उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा करके स्क्रू को लूज करेंगे। स्क्रू लूज करने के बाद फिर जितना टैपेट रखना है उतनी मोटी फिलर गेज की पत्ती या टैपेट गेज की पत्ती उसके अंदर डालेंगे। अब आपने क्या किया, फिलर गेज या टैपेट गेज की पत्ती उसके अंदर डाल दी। पत्ती डालने के बाद फिर स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट करेंगे, और कब तक टाइट करेंगे, जब तक कि वो पत्ती उस पर पकड़ नहीं लेती। और इसमें आपको ये इंश्योर करना है कि पत्ती बहुत ज़्यादा पकड़ के एकदम टाइट भी नहीं चलनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, बस हल्का सा चिपक करके निकलनी चाहिए। अगर वो चिपक करके निकल रही है इसका मतलब आपने टैपेट सही मिलाया है। तो जब एक बार आप देख उसको फील कर लिया कि हाँ ये आराम से टच होकर के उससे निकल रही है, उसके बाद क्या करेंगे, आप स्क्रू ड्राइवर को होल्ड करके रखेंगे और जो स्पैनर था उस स्पैनर से जो नट आपने पहले लूज किया था लॉक वाला नट, उस नट को पूरा टाइट कर देंगे और फिर वहाँ पर होल्ड कर लेंगे। फिर आप चेक करेंगे पत्ती को दोबारा अंदर और बाहर कर करके कि वो हल्की सी पकड़ कर चलनी चाहिए। अगर वो पकड़ कर चल रही है तो यहाँ आपका टैपेट सही से मैच हो गया है। अगर वो पत्ती लूज थी तो आपका टैपेट जो है वो सही से मैच नहीं हुआ है। तो इसी तरह से पहले आप एक नंबर का करेंगे और जैसा आपकी गाड़ी का फायरिंग ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक का किया और आपने देखा किस तरह से मैंने किया है, इसी तरह से सेम आप बाकी के भी टैपेट मिला सकते हैं। उसके बाद टैपेट मिलाने के बाद आप उसको जो अपना टैपेट कवर था, टैपेट कवर वापस
रख देंगे और बाकी के जो भी जितने भी अपने बोल्ट थे टैपेट कवर के वो सब टाइट कर देंगे। अभी इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि ये कैसे लूज करें हम लोग, कौन सी वाली पत्ती, या ये कैसे इंश्योर करेंगे कौन सा वाला हम लोगों का जो चिड़िया है वो लूज होंगी। तो दोनों चिड़िया लूज करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, फ्लाई व्हील को घुमाना पड़ेगा। जब आप फ्लाई व्हील को रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे वन बाई वन करके एक एक करके सारे के सारे पिस्टन जो है वो लूज होते जाएंगे, मतलब हर एक पिस्टन की जो चिड़िया है धीरे धीरे लूज होते जाएंगे। फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से आप उसको मिला सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अभी एक नंबर की मिला के सिर्फ एक दिखाई है इनलेट वाली, तो आप जो है पहले इनलेट से स्टार्ट करेंगे फिर एक जो है पहले ठंडा वाला मिलाएंगे फिर गर्म वाला मिलाएंगे। मिलाते समय एक चीज़ का और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आप जब भी टैपेट मिलाएंगे तो आप ठंडी गाड़ी में मिलाएंगे, लोग गर्म में भी मिला देते हैं बट वो तरीका सही नहीं है। हम लोगों को एक्यूरेसी के लिए और सही टैपेट मिलाने के लिए हमेशा इनको ठंडा होने देने का वेट करना है कि हमारे पास जो भी गाड़ी है आई हमारे गैराज पर, तो हम लोग पहले उसको देखेंगे कि वो इंजन उसका ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा हो गया इंजन कुछ देर वेट कर लेंगे आधा एक घंटा, और जब इंजन ठंडा हो गया तब टैपेट मिलाना स्टार्ट करेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ठंडा ही मिलाना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।